मैं हमेशा ना एक लिक्विड हाइलाइटर की सर्च में रहता हूँ, बट मेरा एंगल क्यों टेढ़ा है? ऐसे ऐसे मैं हमेशा एक लिक्विड हाइलाइटर की सर्च में रहता हूँ, एंड मैंने हर किसी लिक्विड हाइलाइटर की तारीफ़ें सुनी है, ये वो कर देता वो कर देता। हाँ वो कर देता है, बट वो एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, पैची होते हैं, एंड ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है, एंड बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। सो मेरे पास एक ऐसा हाइलाइटर है जो कि बॉम, लिटरली ट्रस्ट मी दिस इज़ बॉम AF, एंड मैं आप सभी के साथ ट्राई करूँगा और मैं दिखाता हूँ उसका फॉर्मूला और उससे कैसे डिफरेंट है। सो अगर आपके यहाँ पे सील नहीं आती है तो इट मींस किसी ने रिटर्न किया है प्रोडक्ट एंड आपको मिला है, बिकॉज मेरे साथ ये 4-5 बार हो चुका है ऑलरेडी, तो मुझे तो पता है ही। सो इट्स नॉट योर ऑर्डिनरी लिक्विड हाइलाइटर, यू हैव टू जस्ट टेक दिस मच अमाउंट, देख रहे दिख भी नहीं रहा, बस इतनी अमाउंट लेना है आपको, एंड नाउ यू विल गेट टू सी द मैजिक। टू लेट मी ब्लेंड इट एंड कम बैक। लुक एट दिस नेचुरल ग्लो एंड शाइन, ऐसा लगता है कि लाइक ग्लो विद इन आ रहा है, ठीक है अंदर से आ रहा है, जैसे डाइट फॉलो कर रखी है, पर पता नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कर रखा है। सो लुक एट दिस